हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हमने नाम वाले शब्दों के बारे में पढ़ा था जिनको संज्ञा शब्द भी कहते हैं, जिसकी परिभाषा क्या थी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद हमने पढ़े थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आज हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम शब्द। एक एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। उदाहरण से, सुनीता ने राखी से कहा मैं घर चली जाऊंगी। ध्यान से आपको मेरे साथ रीड करना है। राधा ने तन्मय से पूछा तुम कहाँ जा रही हो। नेक्स्ट है, श्रद्धा रोज पढ़ाई करती है, वह बहुत होशियार है। यहाँ पर कुछ लोगों के नाम हैं, जैसे सुनीता है, राखी है, राघव है, तन्मय है, श्रद्धा है। तो ये सारे शब्द क्या हो गए, नाम वाले शब्द हमने पढ़े थे। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इनके लिए हमने एक नए शब्द का प्रयोग किया है। सुनीता के लिए हमने जिस शब्द का प्रयोग किया है वह है मई। राघव ने तन्मय से पूछा तो तन्मय के लिए आया है तुम। नेक्स्ट है, श्रद्धा रोज पढ़ाई करती है, वह श्रद्धा के लिए आया है वह शब्द। तो सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये है, वह है, मैं, तुम, वह, वे, कौन, तुम्हारा, ये सब सारे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं। हम बार बार एक ही शब्द की रिपीटेशन, सुनीता ने राखी से कहा सुनीता घर चली जाऊंगी, इट्स लुकिंग वेरी ऑकवर्ड, ये बहुत ही अजीब लगेगा और सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, ठीक है। राघव ने तन्मय से पूछा तन्मय कहाँ जा रहे हो, ओके। श्रद्धा रोज पढ़ाई करती है, श्रद्धा बहुत होशियार है, श्रद्धा रोज स्कूल जाती है। हम एक ही नाम की रिपीटेशन बार बार करने से अपनी भाषा प्रभावशाली व असरदार नहीं रहती है। तो भाषा को प्रभावशाली व असरदार बनाने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ताकि एक ही शब्द का रिपीटेशन ना हो। और सर्वनाम शब्द है जिनको इंग्लिश में हम प्रोनाउन वर्ड्स बोलते हैं, ही, शी, दे, इट, और हिंदी में हम सर्वनाम शब्द बोलते हैं, यह, वह, इसने, उसने, ये। अब है सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, कोई भी व्यक्ति अपनी बात बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं रोज स्कूल आती हूँ, वह बहुत बुद्धिमान है, तुम कहाँ जा रहे हो या तुम ये क्या कर रहे हो। तो बोलने वाले, सुनने वाले के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है निश्चयवाचक, जैसा कि अपने नाम से स्पष्ट है, जहाँ हमें निश्चित किसी चीज के बारे में पता हो। जैसे मैं कहूँ कि वह पेन या यह पेन मेरा है, मुझे पता है कि ये पेन मेरा है। जब मैं श्योर हूँ तभी मैं ऐसा बोलूंगी। तो निश्चित रूप से किसी चीज के बारे में पता हो, ऐसे शब्दों के लिए अगर सर्वनाम शब्द आता है, यहाँ पर भी वह आया और यहाँ पर भी वह है, लेकिन यहाँ पर अगर वह निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा है तब वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। हमने यहाँ लिखा है श्रद्धा रोज पढ़ाई करती, वह बहुत होशियार है, यहाँ ये पुरुषवाचक सर्वनाम ही रहेगा, ठीक है। निश्चय अनिश्चयवाचक में कोई या कुछ, ठीक है, जहाँ पर हमें इसका जस्ट अपोजिट, जहाँ बिल्कुल शोर ना हो, जैसे बाहर कोई खड़ा है, ठीक है। मैंने किसी को देखा था, जैसे अब किसी चीज के लिए शोर नहीं होंगे, वहां अनिश्चयवाचक आएगा। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, तो अपने नाम से स्पष्ट है, जैसे आप क्या कर रहे हो, बाहर कौन खड़ा है, क्वेश्चन वाले शब्द जहाँ आते हैं वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है संबंधवाचक, रिलेशन बताएं दो वाक्य
आपस में जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में रिलेशन संबंध प्रकट हो वो संबंध वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और नेक्स्ट है निज वाचक, जैसे खुद के लिए सेल्फ के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग, निज का अर्थ होता खुद, जैसे स्वयं, आप, ठीक है, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। तो ये हमने संज्ञा के भेद सर्वनाम के भेद पढ़े, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब हम जानते हैं कि कुछ सर्वनाम शब्द जो हैं, सर्वनाम शब्दों के भी वचन के अनुसार इनके रूप बदलते रहते हैं। वचन नंबर्स को बोलते हैं जिनसे हमें शब्द की संख्या के बारे में पता चलता है। वचन के दो भेद होते हैं, सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन, ठीक है। तो ये सारे सर्वनाम हैं एक वचन में और इनका बहुवचन रूप है मैं का हम, मैंने का हमने, तू का तू, तूने का तुमने, वह का वे, उसने का उन्होंने, यह का ये और इसने का इन्होंने। तो सर्वनाम शब्दों जो शब्द है ये वचन के अनुसार इनके भी रूप बदलते हैं। यहाँ पर हमने कुछ वाक्य हैं जिनका अभ्यास कार्य आपको करना है, ध्यान से आप मेरे साथ रीड करेंगे और अपने मन में सोच कर रखेंगे कि इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है। सेंटेंस है, सुनील ने कहा जैसा बोएगा वैसा काटेगा, किसने कहा, सुनील ने। तो ये तो किसी का नाम है, सर्वनाम हुआ, नो, ये हुआ संज्ञा शब्द। और जैसा बोएगा वैसा काटेगा, शाबाश, जैसा वैसा, ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। श्याम ने कहा मैं घर जा रहा हूँ, श्याम फिर से संज्ञा शब्द, किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन हो गया। मैं कौन चला जाएगा, श्याम, मैं शब्द किसके लिए आया है, श्याम के लिए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाए, सर्वनाम। यहाँ पर सर्वनाम शब्द, शाबाश, मैं हो गया और मैं खुद के लिए आया है, तो ये हो गया बोलने वाले व्यक्ति के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। दूध में कुछ गिरा है, अब पता नहीं वो इलायची है या अदरक है, ठीक है, या बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल गिर गया है, तो हम ध्यान निश्चित नहीं है, तो ये भेद हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। वहाँ कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है या वहाँ कौन खड़ा है, तो जिनसे क्वेश्चन, प्रश्न का बोध हो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ गया। अपना काम स्वयं कीजिए, खुद कीजिए, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का बोध खुद की लिया है, आप, खुद, स्वयं। और अब है यह है जो मेरी है, अब मुझे निश्चित रूप से पता है कि यह है मेरी है तभी मैं इसके बारे में बोलूंगी, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, तो इस तरीके से हमने सर्वनाम शब्दों के बारे में जाना।